हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, ये है पार्ट थ्री हमारे जो हम क्लासेस की सीरीज चालू कर रखे हैं उसके हिसाब से, और ये चैप्टर टू चल रहा है फिलहाल आपका, और ये क्वेश्चन नंबर थ्री है जिसे हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन है ऑडिट प्रोसीजर के बारे में कि आप जब ऑडिट करने जाते हैं तो आप कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फाइव स्टार टॉपिक, क्योंकि इसके ऊपर दो पार्ट बनेंगे। एक तो पार्ट थ्री जो अभी मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और पार्ट फोर भी इसी को डेडिकेटेड होने वाला है। ठीक है सर, बहुत ज़्यादा ध्यान से करना। हो सकता है कि मेरे 2 आवर्स के अप्रॉक्स इसको समझाने में लग जाए, लेकिन समझाने का टाइमिंग क्या है उस पर मैं ना जाए, ये कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में जाना चाहिए। इसलिए से आप बहुत शिद्दत से देखेंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करने वाले हैं। दोस्तों, जब हम ऑडिट के प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो जो आपका ICI है वो आपको कहता है कि भैया ओवरऑल आपके पास 3 प्रोसीजर हैं। कितने प्रोसीजर हैं? 3 प्रोसीजर्स। पहले का नाम है सर रैप, यो हनी सिंह। सर ये वो नहीं है, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। ठीक है सर, पहला ये हो गया। सर दूसरा आपके पास आता है प्रोसीजर कंप्लायंस प्रोसीजर, कंप्लायंस। ठीक है सर, और इसे कई बार टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल प्रोसेसेस। और एक और सर प्रोसीजर है छोटा सा इसी का भाई, दैट इज सबस्टांटिव प्रोसीजर्स। कई बार आया होगा पहले नाम, तो मैंने आपसे कहा होगा कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, तो अब इनका वक्त आ चुका है मुहूर्त जहाँ इन्हें हमें डिस्कस करना है। तो दोस्तों, ये जो रैप है वो है SA 315 के अंदर जो हमें डिस्कस करना है, जो कि हम पार्ट थ्री यानी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और सर अपनी नोटबुक में लिखते जाएं कौन से पार्ट में हमने क्या पढ़ा, इससे अगर बाय चांस आगे चल के आपका फ्लो टूटे कहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सर ये दोनों हम जो है ये हम पार्ट फोर में डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट पार्ट आपका जल्द ही 1-2 दिन के अंदर मैं अपलोड करूँगा। और सर ये कवर करता है SA 330। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, ये मैंने ओवरव्यू दिया आपको। ठीक है सर, तो फाइनली हमें इस पार्ट के अंदर पढ़ना है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फाइनली इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, तो इसमें हमें पहले क्या पढ़ना है? SA 315। तो ओवरऑल आपका SA 315 यहीं पे कवर हो जाएगा। सर इसका नाम क्या है ध्यान से सुनना, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क of material statement by or through understand the entity and environment। अब बहुत सारे टीचरों ने क्या किया होगा, आपको कहा होगा इसे रटो, मैं रटवाऊंगा ही नहीं। ये वाला जो नाम है, ठीक है सर, ये जितना बड़ा नाम दिख रहा है आपको, आने वाले जितने भी मैं आपके 30 मिनट्स अप्रॉक्स जो भी लूँगा, 30 to 40 मिनट्स, तब तक ये नाम आपके दिमाग में चला जाएगा, इसका मेरा प्रॉमिस है। ठीक है सर, अब देखिए क्या कहता है ये। सर पहली बात तो ये समझिए, जो रैप है आपका, रैप यो हनी सिंह, रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर, ये क्या कहता है कि जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो ऑडिट में ऑलवेज रिस्क होता है। क्यों होता है और क्या रिस्क होता है? सर डर हमें उस बात का होता है कि कहीं ओपिनियन, जो हमारा ओपिनियन है, कहीं ओपिनियन गलत ना हो जाए। ठीक है, कि भैया हम जो भी डिसीजन मेकिंग लेने वाले हैं, जो भी ओपिनियन देने वाले हैं, वो गलत ना हो जाए। गलत क्यों होता है? क्योंकि कभी भी हम 100% चेकिंग नहीं करते हैं, हम हमेशा लेस देन 100% कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, इसमें ही मैंने आपको चैप्टर 1 में एक क्वेश्चन पढ़ाया था, इनहेरेंट लिमिटेशन।
इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, याद आ रहा है आपको? तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि ये वजह होती है जिसकी वजह से एक ऑडिटर कभी भी 100% गारंटी नहीं दे सकता कि उसने जो ऑडिट किया है वो 100% सही है। तो सर ये जो रिस्क है कि मेरा ओपिनियन गलत ना हो जाए, इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके रिस्क को कैसे कम किया जाए? क्योंकि रिस्क जितना कम होगा उतना ज़्यादा ओपिनियन बेहतर होगा। रिस्क इसको जितना ज़्यादा है कि अरे मुझसे गलती ना हो जाए, मुझसे गलती ना हो जाए, मुझसे गलती ना हो जाए, तो आपकी गलतियों को कैसे कम किया जाए, इसी को गाइड करने के लिए आपका ऐसे 315 बनाया गया है। यहाँ तक क्लियर है? गुड। अब मेरी बात सुनना सर, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं खेलना हमें, आराम से आप मेरे साथ लिखते हुए चलिए, मैं आपको समझाते हुए चलता हूं। प्रोसीजर परफॉर्म्ड टू ऑप्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई आई का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एंटिटी एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है सर, ये क्या कह रहा है जरा पकड़ना आप इसे। ये कह रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। किसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपको? ईईआई की लेनी है। ओके, अभी मैं समझाऊंगा सर, समय दें मुझे। टू किस, क्या है सर ये टू? टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क एट कहां कहां पे सर? एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट असर्शन लेवल। ठीक है सर, अब इसको समझना। ये अगर आपको चार्ट समझ में आता है ना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया, ये बात समझना। ठीक है सर, बहुत प्यार से आगे बढ़ो, भागने का टेंशन ना लो, क्योंकि जितने प्यार से आप आगे बढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा आपके दिमाग में जाएगा। सर ये क्या कहते हैं? प्रोसीजर परफॉर्म, मतलब हम एक ऐसा रास्ता लेने वाले हैं, ऐसा हम एक अपना स्टेप, एक षड्यंत्र या जिसे भी कहो कि एक पैमाना और एक अपना योजना या अपनी एक ऐसी प्लानिंग बनाने वाले हैं। ठीक है, उस प्लानिंग में क्या बनाएंगे? एक प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, मतलब एक स्टेप सीरीज वाइज जो स्टेप है वो परफॉर्म करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? टू ऑप्टेन, ताकि हमें मिल पाए। ऑप्टेन मतलब होता है प्राप्त हो पाना। क्या प्राप्त होना है सर? एन अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग हमें मिलने वाली है। टू ऑप्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, कि भैया हमें क्या मिलने वाली है? एक अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। ठीक है, किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग? कि भैया एंटिटी कैसी है, ध्यान से सुनना, ये प्रोसीजर हमें क्या दिलवाएगा। ठीक है, कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा, ये प्रोसीजर हमें क्या दिलवाएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा, ये प्रोसीजर हमें क्या दिलवाएगा। ये दिलवाएगा एक अंडरस्टैंडिंग, किस चीज़ की भैया? कि हमारी एंटिटी कैसी है, जिस एंटिटी पे हम जा रहे हैं काम करने, वो एंटिटी कैसी है, उस एंटिटी का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है सर, और उस एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है। ये प्रोसीजर हमें ऑप्टेन कराएगा, क्या ऑप्टेन कराएगा? एक अंडरस्टैंडिंग कि एंटिटी कैसी, एनवायरनमेंट कैसा और इंटरनल कंट्रोल कैसा। फिर इससे क्या होगा? टू, ताकि हम लोग क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और असेस कर सके। आइडेंटिफाई एंड असेस को एक वर्ड और बोला जाता है कि स्टडी कर सके। क्या स्टडी कर सके? स्टडी में दो वर्ड आप लेंगे, आइडेंटिफाई एंड असेस। आइडेंटिफाई मतलब होता है पता लगाना और असेस मतलब चेक करना। जब तक आपको पता ही नहीं लगेगा, आप चेक कैसे करोगे? जब तक आपको जूता नहीं मिलेगा, आप उसमें पॉलिश कैसे करोगे? नहीं समझे आप? तो आइडेंटिफाई, ताकि हम पता लगा सके, एंड असेस चेक कर सके, क्या रिस्क कितना है भाई। हम पता लगाना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि हमारा रिस्क कितना है। कहाँ पे सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे एंड असर्शन के लेवल पे। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन का लेवल क्या होता है? तो इसके लिए मैं कहूँगा आपसे, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल की वो बात कर रहा है, तो वो आपसे कहना चाहता है ओवरऑल व्यू।
ओवरऑल वेव, जैसे आपका प्रॉफिट हो गया और आपका नेट रेवेन्यू हो गया, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे यानी ओवरऑल व्यू कैसा है आपका, तो इसको सर हम थर्ड चैप्टर में जो नेक्स्ट चालू होगा उस पर मैं और बात करूंगा इसके बारे में। फिलहाल आप ये दिमाग में रखें कि ओवरऑल व्यू कैसा आ रहा है। और असर्शन लेवल पे आपको क्या याद रखना है कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है वो कैसा प्रेजेंटेशन दे रहा है और बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं वो कैसा प्रेजेंटेशन दे रहा है, इन बातों को समझते हुए अपना रिस्क आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको पूरा जो मैंने आपको बनाया इसको मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ। ये कहते हैं भैया प्रोसीजर परफॉर्म, हम एक ऐसा प्रणाली, एक ऐसा पैटर्न फॉलो करने वाले हैं जिसके द्वारा हम ऑप्टेन करेंगे, पता लगाएंगे, क्या पता लगाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। और वो अंडरस्टैंडिंग किसके बारे में होगी, एंटिटी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में और इंटरनल कंट्रोल के बारे में, ताकि हम पता लगा सके और चेक कर सके कि भैया हमारा रिस्क कितना है, हमारा रिस्क कितना है किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे और असर्शन के लेवल पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेवल यानी ओवरऑल प्रॉफिट वगैरह कैसा शो हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के आइटम सही से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है सर, ओके। इसके बाद ये हमसे अगला पॉइंट कहता है रैप के बारे में, कि जो हमारा रैप है, यो हनी सिंह रैप है ना, जो हमारा रैप है वो कभी भी नहीं प्रोवाइड करता, डू नॉट प्रोवाइड, कभी भी वो प्रोवाइड नहीं करेगा, कभी भी वो ये नहीं बताएगा कि एविडेंस कैसे है। मतलब आप अगर एविडेंस कलेक्ट करना चाहते हो रैप के माध्यम से तो आप नहीं करवा पाओगे, क्योंकि हनी सिंह को तो रैप गाना आता है, उसको एविडेंस निकालना नहीं कभी आता है। हनी सिंह तो बस रैप करके जाएगा, एविडेंस का पता तो हमारा अगला एसे लगाएगा, मतलब आने वाले जो एसे होंगे वो सिखाएंगे कि एविडेंस कैसे लेते हैं। आपका जो 315 है ये आपको एविडेंस लेना नहीं सिखाता, यानी अगर आपके पास एविडेंस ही नहीं है तो आप इस बेसिस पे, आप रैप के बेसिस पे, रैप के बेसिस पे आप झूम तो सकते हो, क्या आप रैप के इस बेसिस पे झूम सकते हो, ठुमके लगा सकते हो, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे सकते। इतनी बात क्लियर, ओके। उसके बाद है भैया कि रैप करने की टेक्निक्स क्या है, ठीक है, मतलब हनी सिंह की तरह अगर रैप गाना है तो उसकी टेक्निक क्या है, ओके। तो टेक्निक्स एंड मेथड क्या क्या है, तो सर जब भी आपको टेक्निक कहे ना तो टेक्निक बोलते ही आपके माथे में एक वर्ड आना चाहिए, कैसे करना है, कैसे करना है। यानी क्वेश्चन ये आपसे कहेगा कि ये बताओ कि भैया आप रैप करना चाहते हो तो आप रैप कैसे करोगे, यो यो यो, क्या ऐसे करते जाते हैं? नहीं, तो आपके लिए इसको याद रखना है कि भैया हमें रैप करना है AIOI, ठीक है, AIOI, तो आपको तुषार कपूर की याद आनी चाहिए, गोलमाल के, गो 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 गोलमाल, और तुषार कपूर कैसे करता है, AIOI, कैसे, AIOI, एक बार दोबारा से, AIOI, ठीक सर, ओके। तो टेक्निक में पहली टेक्निक क्या होती है सर, सर पहली टेक्निक होती है एनालिटिकल। सर ये क्या होती है, तो इसके लिए सर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करूँगा, लेकिन ये हल्का सा मैं बताऊँ कि एनालिटिकल प्रोसेसर क्या कहता है। वो ये कहता है कि भैया रेशियो निकालो और ट्रेंड देखो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है और कैसे कर रही है। मतलब ये कि लेट सपोज रेशियो मैंने रेशियो निकाला कि भैया हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा GP अपॉन में सेल 125% है, ओके। और पिछले साल कितना था, पिछले साल 15% था, अबे इस साल 10% कैसे बढ़ गया, अच्छा, ट्रेंड क्या है, बाकी इंडस्ट्रीज़ का कैसे बढ़ता है, यार बाकी इंडस्ट्रीज़ का 4-5% बढ़ता है, हमारा डबल का बढ़ गया, तो ऐसा हमारी इंडस्ट्री ने क्या किया कि इसका रेट जो है वो डबल से बढ़ रहा है, दैट इज एनालिटिकल, एना लाई किए टिकल, ठीक है, ऐसे पढ़ने से आपकी स्पेलिंग गलती नहीं होगी, फन क्रिएट करो सर पढ़ने में, आपसे कभी गलती नहीं होगी, AIOI, ठीक, आई से नेक्स्ट, आई से जो हमारा है सर दैट इज इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब होता है पूछताछ, मतलब वहाँ का जो स्टाफ होगा, वहाँ का जो मैनेजमेंट होगा,
उन्होंने एक पर्सन अपॉइंट करके दिया होगा कि शर्मा जी वर्मा जी आप इनसे पूछो, तो उनसे हम पूछते रहेंगे कि बताओ ये कैसे हुआ और ये कैसे हुआ, ठीक है। तो ये हमें रिस्क असेस करने में हेल्प करेगा। उसके बाद सर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कई सवालों के जवाब आपको शब्दों से नहीं मिलेंगे, आपको इशारों से समझने पड़ेंगे। आप वहां पे खड़े खड़े समझ सकते हो कि भैया वहां के हालात क्या है, ठीक है। एक नजर में भी प्यार होता है मैंने सुना है, तो ये क्या है सर ऑब्जर्वेशन। और कई बार आपने अपने चचा लोग, जो चचा लोग होते हैं, चचा लोग ये डायलॉग मारते हैं, बेटा ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए हमारे। तो ये जब चचा लोग कहते हैं ना धूप में सफेद नहीं हुए हमारे, तो हम लड़के और लड़की के बीच में क्या चल रहा है इसे एक नजर में पहचान लेते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन, है ना। तो वैसे ही ऑइटर के जब बाल सफेद होंगे, लेट सपोज ये हमारे ऑइटर साहब और इनके बाल लेट सपोज सफेद तो नहीं कर सकता मैं लाल कर देता हूँ, तो ये कहेंगे ऐसे ही मेरे बाल लाल कलर के नहीं हुए, डाई ऐसे ही लगाना चालू नहीं किया, मुझे पता है कि किस होने पे क्या बात होती है, आई मीन किस बात पे क्या रीजन होते हैं, क्या लॉजिक होते हैं, मैं पता लगा सकता हूँ। तो AIOI, ठीक है। और फिर होता है सर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब होता है जैसे आप इन्वेंट्री वगैरह की इंस्पेक्शन कर सकते हो कि लाओ दिखाओ, उसने कहा कि हमारे पास ये 100 रॉ मटेरियल है के पीस, मैंने कल ला चेक करा और निकले सिर्फ 80, 20 का इन्होंने डिफरेंस बताया, तो ये होती है सर इंस्पेक्शन वगैरह मैं कर सकता हूँ। तो अगर आपसे कोई टेक्निक या मेथड पूछे कि भैया कैसे करना है रैप, तो रैप करने के लिए हनी सिंह को तुषार कपूर बनना होगा, तो आप कैसे याद रखोगे, रैप करने के लिए हनी सिंह को तुषार कपूर बनना होगा। और तुषार कपूर क्या करता है, AIOI, कैसे AIOI, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हनी सिंह को जब तुषार कपूर बनाओगे तो आपका रैप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद जब आप इसमें आगे बढ़ते हो तो इसके अंदर फिर सर मैंने ए पॉइंट बताया आपको, जो हमने शुरू में सीखा चार्ट, बी हमने सीखा टेक्निक एंड मेथड्स, ठीक है सर, और सी में पॉइंट हमें वो सिखाता है कि भैया हमें ये करने के लिए जानकारी कहाँ से मिलेगी, हमें अपना जो हमें रिस्क है कैलकुलेट करना है किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो सर उसके लिए इसने हमें तरीका बताया है, उसने कहा पहली बात कि हो सकता है कि आप जब गए तो आपसे क्लाइंट ने एक्सेप्टेंस लियो कि आप ऑडिटर बनना चाहते हो और आपने शादी के कार्ड पे अपना नाम लिखवाने के लिए तैयारी कर ली हो कि हाँ भैया हम ऑडिटर बनना चाहते हैं, या आप पहले से ऑडिटर थे कंटिन्यूएंस, ठीक है सर, आपने कंटिन्यूएंस में मतलब कि पहले भी ऑडिटर थे और अभी भी आप बने रहना चाहते हैं, तो आपको पहले से एंटिटी का आइडिया था कि इस एंटिटी में ये लोचा होता है, या फिर हो सकता है एंगेजमेंट पार्टनर हैज परफॉर्म्ड अदर एंगेजमेंट फॉर द एंटिटी, ठीक है। पहले तो इसका मतलब समझाता हूँ भैया, क्लाइंट एक्सेप्टेंस मतलब जब आप एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे तो उसने खुद ही बताया होगा कि शर्मा जी हैं, शर्मा जी काम देखते हैं, लेकिन वो 30 में से 15 दिन छुट्टी पर रहते हैं, 15 दिन ही आते हैं, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये आपकी मदद करेंगे। जैसे मैं एक बार ऑडिट करने गया था तो मुझे मनीष जी को वहाँ के जो HR के मैनेजर थे उनको अपॉइंट कर दिया गया था कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो इनसे जाके मिलो, तो मनीष जी हमेशा सपोर्टिव थे, उनसे मुझे कभी दिक्कत फील नहीं हुई। तो ऐसे ही आपको बता दिया जाएगा कि भैया यहाँ पे अगर ये मुझे 100% सपोर्ट करते हैं तो इंटरनल कंट्रोल कैसा होगा, ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। और सपोर्ट नहीं करते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं, बोलते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तो भैया क्या होगा, मैं कहूँगा इसमें कोई लोचा है। कंटिन्यूअस प्रोसेस कि मैं अगर एक बार मनीष जी के साथ काम कर चुका हूँ तो अगली बार मुझे दोबारा से अगले साल जब भेजा गया, मनीष जी भी ही हैं वहाँ पे मनीष जी ही काम करते हैं, तो मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, चाय वाय पिलाएंगे और काम पर हम दोनों लग जाएंगे। या फिर हो सकता है एंगेजमेंट पार्टनर, लेट सपोज मुझे ऑडिट के लिए बुलाया गया है और मैं असेट्स एंड लाइबिलिटी की वेरीफिकेशन कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा ही एक दोस्त हो और वो क्या कर रहा हो, इनकम एंड एक्सपेंसेस के जो वाउचर्स हैं उनकी वेरिफिकेशन कर रहा हो, तो हो सकता है मेरा दोस्त मुझे कुछ बताए कि यहाँ पे कुछ संदेहजनक है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, ये लोग रिवेन्यू को मैनिपुलेट करते हैं। तो एंगेजमेंट पार्टनर
मेरा कोई पार्टनर, लेट सपोज मेरा पार्टनर, लेट सपोज हिमांशु मेरा दोस्त, ठीक हैज़ परफॉर्म्ड अदर एंगेजमेंट, वो कोई दूसरी एंगेजमेंट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो वाउचर्स वगैरह है उनको वेरीफाई कर रहा है, किसके लिए, फॉर दी एंटिटी, एंटिटी के लिए। तो ऐसे मुझे जानकारी, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, क्वेश्चन क्या है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो इन इन तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है कि इस साल मनीष जी ना हो के मनीष जी ने नौकरी छोड़ दी हो और उनकी जगह सतीश जी आ गए हो, मनीष जी की जगह क्या हो गया हो, सतीश जी आ गए हो। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, चेंजेस इन करेंट ईयर, हो सकता है इस साल में कुछ चेंजेस आ गए हो, हो सकता है कि पिछली साल जो असेट्स थी उनकी काउंटिंग थी 150, लेकिन इस साल कुछ असेट्स एक्वायर कर ली हो 50, तो हो सकता है इस साल मुझे 200 असेट्स की चेकिंग करनी हो, या हो सकता है कुछ 50 असेट्स बेच दी गई तो इस साल मुझे 100 की चेकिंग करनी हो। तो चेंजेस इन करेंट ईयर, ठीक है, कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है चेंजेस में, हो सकता है कि भैया पहले बहुत ही नालायक बंदा काम करता हो, ठीक है, लेट सपोज सतीश पहले काम करता था, वो एक नंबर का नालायक आलसी इंसान था, वो अच्छा काम नहीं करता था, उसे हटा दिया गया, उसकी जगह मनीष जी को लाया गया, ठीक है, तो हो सकता है चेंजेस हो गए हो, तो जिसकी वजह से मेरा रिस्क, अब इसके साथ मेरा रिस्क क्या था, बहुत ज़्यादा था, ये कोई चीज़ देता ही नहीं था, रिस्क बहुत ज़्यादा था, मनीष जी के साथ मेरा रिस्क थोड़ा सा है क्योंकि ये बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। चेंजेस इन करेंट ईयर, ठीक है, उसे मैं अपना एडजस्ट कर लूँगा। प्लस अगर मुझे कोई कन्फ्यूज़न है, ये वर्ड मैं आपके याद रखने के लिए लिख रहा हूँ, कि अगर लेट सपोज मुझे कोई कन्फ्यूज़न है, कोई बात मुझे क्लियरली क्लेरिफाई नहीं हो पा रही, समझ में नहीं आ रही, तो मैं डिस्कशन भी करूँगा। मैं क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा, पूछताछ करूंगा, किससे करूंगा, विथ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, विथ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स यानी उन लोगों के साथ करूंगा जो मेरे मेंबर्स हैं, ठीक है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि यार इस जगह ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये ओवरऑल मैंने आपको ऐसे 315 कंप्लीट करा दिया, लेकिन अभी इसमें एक गुप्त क्वेश्चन बनता है, सीक्रेट क्वेश्चन। सीक्रेट क्वेश्चन क्या है, उसका नाम मैं बताता हूँ आपको, पढ़ के भी बहुत अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब वो कहता है कि अगर आपको ऐसे कौन कौन सी जगह पे है जहां पे आपको लगता है कि हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए या जहां पे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ऐसी जगह बताओ जहां पे आपको लगता है कि पहले से ज्यादा रिस्क है और वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ओवरऑल सर इसका कोड है FS कर्ड, ठीक है, FS कर्ड क्या है सर, मैं सिखा रहा हूँ आपको, FS कर्ड, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दही। आप कैसे रखोगे कि भैया ऐसी कौन सी जगह जहां ध्यान देना है, तो आप कहोगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दही बन जाती है, क्या बन जाती है, दही, दही को इंग्लिश में क्या बोलना है, कर्ड, जो भी स्पेलिंग हो मुझे नहीं पता, आप ऐसे याद रखो, ठीक है, कर्ड भी शायद दही होता है, आप ऐसे याद रखो, फाइनेंस स्टेटमेंट की जब दही हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं। अब मुझे ये मत सिखाना स्पेलिंग क्या होती है प्लीज़, मैं बस आपको याद रखवाने के लिए बोल रहा हूँ कि फाइनेंस स्टेटमेंट की दही बना देनी है, तो जब भी दही बनेगी तब तक हमें ध्यान ज़्यादा देना होगा क्योंकि हमें दही ज़्यादा पसंद है, ठीक है सर, ओके। अब ये कोड क्या बनाया मैं आपको बताता हूँ सर, पहला बना एफ, एफ से बने बना सर रिस्क ऑफ फ्रॉड, जब भी रिस्क ऑफ फ्रॉड हो तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जब भी आपकी डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी हो, क्या हो सर, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दही, दही, तो दही को हम क्या बोलते हैं, कर्ड, CURT, ठीक है, सी से आपको क्या याद रखना है, जब भी ट्रांजेक्शन क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो भैया रिस्क बढ़ जाएगा, कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है तो भी हमारा रिस्क बढ़ जाएगा,
अनयूजुअल ट्रांजेक्शन के लिए आप कह सकते हो कि भैया कोई भी दो ट्रांजेक्शन क्या हुई हैं, एक्सपोर्ट हुई हैं। आज तक ये हर काम डोमेस्टिक करते थे, लेकिन इस बार इनकी ट्रांजेक्शन कैसी हुई है, एक्सपोर्ट हुई है, तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। आर आर से आप कह सकते हो भैया कभी भी कोई ट्रांजेक्शन अगर रिलेटेड पार्टी से हो सकती है, तो ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हमारा रिलेटेड पार्टी के केस में बढ़ जाएगा रिस्क। और सर लास्ट आप बोल सकते हो कि जब भी कोई इकोनॉमिक या फिर कोई अकाउंटिंग डेवलपमेंट में चेंज आता है, ठीक है, डेवलपमेंट में चेंज आता है तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है। तो सर ये हो गया आपका कोड। अब अकाउंटिंग डेवलपमेंट में चेंज यानी, अरे यार सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ, AS6 और AS10 चेंज हो गया और नया AS आ गया PPE करके, तो ये हो गया चेंज। इकोनॉमिक चेंज वगैरह जैसे इन्फ्लेशन आ गया, बूम आ गया, ठीक है सर, ये इन्फ्लेशन या बूम आना क्या होता है, चेंज होता है, तो यहाँ भी मेरा रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैनेजमेंट ने इसकी अकाउंटिंग ठीक ना की हो। रिलेटेड पार्टी में के केस में वो आपस में एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन हेर फेर कर सकते हैं। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन का एग्जांपल दिया मैंने आपको कि भैया डोमेस्टिक पहले ट्रांजेक्शन करते थे, अब वो दो एक्सपोर्ट इन्होंने कर दिए, तो ये एक अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, हो सकता है इसमें उन्होंने गलती की हो, ठीक है सर। और कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहते हैं ये, आप इसे पूरा लिख सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। जब भी आपके ट्रांजेक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कोई भी कठिनाई वाली ट्रांजेक्शन है, लेट सपोज AS19 है, AS19 का ट्रीटमेंट करना सबको नहीं आता अकाउंटिंग वाइज, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी जब आप पढ़ते हो कैपिटल बस्टिंग और कैश, AS19 का ट्रीटमेंट वहाँ पे भी है, लेकिन आधे लोग को ये भी नहीं पता, अब वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं सर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर होता है सर डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। अब ये क्या कहते हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिविटी की किसकी बात कर रहा है, इसकी बात को ध्यान देना पड़ेगा, मैं इसे एक बार बताऊंगा डीप में। और रिस्क ऑफ फ्रॉड, जब रिस्क ऑफ फ्रॉड ज़्यादा हो तो भी हमें टेंशन होती है, तो मुझे स्पेशल एक पॉइंट बताना है ये अलग से, और बाकी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सही से समझ में आ गया होगा, या मैं आपके लिए एक बार लिख दूँ दोबारा से साफ साफ, चलो एक बार सीरीज़ में लिखता हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से कोड के हिसाब से ठीक कर लेना, मैं लिख देता हूँ कि भैया जब भी रिस्क ऑफ फ्रॉड होगा, जब भी हमारा फ्रॉड का रिस्क बढ़ेगा तो हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा, ठीक है, फ्रॉड ज़्यादा होने पर रिस्क बढ़ जाता है। जब भी रिस्क किसका होगा, इज़ रिलेटेड टू रिसेंट इकोनॉमी, ठीक है सर, और अकाउंटिंग डेवलपमेंट। तो इसके लिए मैंने आपको AS6 का अकाउंटिंग डेवलपमेंट का एग्जांपल दिया था, ये अकाउंटिंग लिखने की कोशिश की है सर, आप इसे पूरा लिख लेना, अकाउंटिंग डेवलपमेंट में जब भी कोई भी चेंजेस आएगा, डेवलपमेंट यानी चेंजेस आना किस में, इकोनॉमिक में या अकाउंटिंग में, तो यहाँ पे हमारा रिस्क बढ़ जाता है, हमें ध्यान देना है ज़्यादा। थर्ड सर आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, जब भी आपकी ट्रांजेक्शन टफ होगी तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है अकाउंटेंट ने वहां पे गलती की हो। नेक्स्ट होता है सर ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी, जब भी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन होगी रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हो सकता है एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई ना कोई मैनिपुलेशन की हो, ठीक है सर। उसके बाद सर दी डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी का मतलब अभी बताता हूँ सर मैं आपको, इन दी मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें समझना सर, सर ये एक मिनट पेन अच्छा से ले लेते हैं। सब्जेक्टिविटी का मतलब आपने क्या गलती की है, आप बायसनेस दिखा रहे हो, बायसनेस मतलब पक्षपात दिखा रहे हो, या फिर आप किसी ट्रांजेक्शन के लिए पार्शियल हो रहे हो, आप उस पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? हो सकता है यहाँ पे एक सैलरी दिखाई है, और सैलरी दिखाई है 1,20,000 की, मैं कह रहा हूँ मुझे इस पर ध्यान देने दो, वो कह रहे मत देख, मैंने कहा क्यों, कह रहे तेरी भाभी है यानी मेरी वाइफ है तो इस पर ध्यान मत दे, कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, और वो कह रहा है इसके लिए बायस हो जाओ या फिर पार्शियल हो जाओ, तो फिर मेरा यहाँ पे रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है सर। और लास्ट
लास्ट है सर, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन के लिए मैंने आपको कहा कि जैसे उन्होंने क्या किया, दो अप्रूव्ड ट्रांजेक्शन की, और जबकि वो हमेशा डोमेस्टिक करते थे, तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्यों किया, कैसे किया, एग्रीमेंट था या नहीं था, इसकी अकाउंटिंग ठीक की या नहीं की। ठीक है सर, तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा चाहूँगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो, ओवरऑल मैंने पूरे 100% आपके नोट्स तैयार कर रखे हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ाया एकदम डिक्टो वही है, बस थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन कर दिया। तो भैया ब्रॉडकास्ट का ग्रुप ज्वाइन कर लें, मेरा ब्रॉडकास्ट का ग्रुप, और वो ग्रुप आपको मुझे मिले आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है सर, आप वहाँ से इसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे पसंद आ रहे हैं। ठीक है सर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।